हाई गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो लो बजट में बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करती है सो इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन इन लो बजट दिस इज द ऑप्शन फॉर यू बिफोर आई गो अड इन द वीडियो आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं एंड आपका क्या बजट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आई मेक श्योर टू गिव रिस्पॉन्स ईच वन ऑफ यू कि आपके बजट के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा अगर आप क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी को ही चूज कर रहे हैं सो दिस वीडियो विल गोना बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ओवर व्यू अबाउट द फीस स्ट्रक्चर the hospital tie ups the hostel the food extra curricular activities accessibility mci passing ratio matlab मतलब ki end to end sari information about creamia federal university aapko is video mein milne wali hai so make sure to watch this video till the end whenever we talk about creamia federal university to bahut sare rumors hain iske around मतलब कि वो rumors क्या हैं लोग कहते हैं कि it is a war zone, लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी problems हैं

यहाँ पे आपका जो कोर्स ड्यूरेशन रहेगा वो 5.8 इयर्स का रहेगा और जो पूरा का पूरा कोर्स रहेगा वो इंग्लिश मीडियम में रहेगा रशिया में जब भी हम कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो वहाँ पे बायलिंगुअल कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं मतलब कि पहले तीन साल इंग्लिश में लास्ट के तीन साल रशियन में हाउ एवर वेन आई टॉक अबाउट क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है आपका पूरा का पूरा छः साल 5.8 पॉइंट एट जो भी आपको पढ़ाई होगी वो सारी की सारी इंग्लिश मीडियम में होगी तो आपको लैंग्वेज के रिगार्डिंग डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वाई यू चूज क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी 1918 में इस्टेब्लिश हुई थी मतलब कि इट इज मोर देन हंड्रेड ईयर्स ओल्ड इनको काफ़ी ज्यादा एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट्स वेदर इट बी अ लोकल स्टूडेंट्स और द फॉरन स्टूडेंट्स तो इनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है द टीचर्स आर रियली रियली हेल्पफुल एंड अगर आप क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी को देखेंगे इट इज़ अवज दे हैव फाइव अकेडमीज़ सिक्स कॉलेज एंड सिक्स इंस्टीट्यूट मतलब कि काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है एंड अगर मैं मेडिकल अकेडमी की बात करूँ इट इज़ वन ऑफ द अकेडमी बनाए से फाइव अकेडमी उसी में से एक अकेडमी जो है वो मेडिकल अकेडमी है जहाँ पे आप अपना जनरल मेडिसिन का कोर्स करते हैं इट इज लोकेटेड इन सिंफ्रोपोल सिटी वहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो काफी अच्छी है वेदर फ्रॉम मॉस्को आपको जाना हो वहाँ पे मतलब कि इंडिया से मॉस्को फ्लाइट जाती है एंटरनेट वो, सो बाय एयर बाय रोड बाय ट्रेन कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है एंड द यूनिवर्सिटी ऑल्सो ऑफर्स द गुड कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ यू नो द डेली यूजेज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड एवरी थिंग तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है वाई यू चूज क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी नॉट टॉकिंग अबाउट द फीस स्ट्रक्चर ऑफ क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी जब भी हम कहीं पे भी यू नो एम करने के बारे में सोचते हैं द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज कि बजट क्या होगा एज आई सेड कि अगर आप कम बजट में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी लेना चाहते हैं तो क्रीमिया फेडरल आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ की जो ट्यूशन फीस है इट लाइज बिटवीन 3500 टू 3600 सिक्स डॉलर अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ लाइक थर्टी टू 3600 रीजन बींग वहाँ पे जो आपकी ट्यूशन फीस पे होती है या कोई भी एक्सपेंसिस पे होते हैं दे आर पेड इन रूबल्स रूबल्स जो है वो रशिया की लोकल करेंसी है हाउ एवर इट इज़ अ स्टैंडर्ड टू यू नो डिसकस द फीस स्ट्रक्चर इन यू एस डॉलर्स तो जो भी कन्वर्जन रेट होते हैं क्योंकि अगर आप रूबल्स को देखेंगे यू के नॉट गेट रूबल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट मतलब कि अगर आप खरीदने जाएंगे यू नो एक्सचेंज कराने जाएंगे करेंसी पर यू कैन एक्सचेंज यूर करेंसी टू यू एस डॉलर बट यू कैनॉट एक्सचेंज यूर करेंसी टू रूबल्स डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में रूबल्स अवेलेबल नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा यू एस डॉलर चलते हैं दैट इज वाई द फीस स्ट्रक्चर एंड एवरी थिंग इज डिस्क इन यू एस डॉलर एंड द रीजन वाई आई एम से फीस द टूशन फीस ऑफ क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी इज बिटवीन थर्टी फाइव हंड्रेड टू थर्टी सिक्स हंड्रेड यू एस डॉलर द रीजन इज कि जो भी कन्वर्जन रेट होता है आई एन आर टू यू एस डी एंड यू एस डी टू रूबल्स वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है दैट इज़ वाई यू आर सींग दिस डिफरेंस ऑफ हंड्रेड डॉलर ईयर द फीस ऑफ क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी इज वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड पॉकेट फ्रेंडली तो ये तो बात हुई सिर्फ ट्यूशन फीस की हाउ एवर वेन आई टॉक अबाउट द बजट इट मस्ट इंक्लूड योर ट्यूशन फीस हॉस्टल फूड मेडिकल इंश्योरेंस वीजा एक्सटेंशन एवरी थिंग अगर आप ये सब कुछ इंक्लूड करते हैं फॉर सिक्स इयर्स, द क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी बजट वुड बी नियरली ट्वेंटी थ्री लाख इंडियन रुपीज़ देखो ये थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डॉलर एंड द रूबल्स प्राइस बट बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं होंगे एंड इट इज़ वन ऑफ द यू नो वेरी इकोनॉमिकल बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी ऑफरिंग वेरी हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो अगर आप भी एम बी बी एस रशिया से करना चाहते हैं और कम बजट में करना चाहते हैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है या जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जब आप यहाँ पे क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वो एक छोटा सा स्काइप इंटरव्यू भी लेते हैं बिफोर इशूइंग द लेटर्स टू यू एंड एवरी आजकल ये प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड अदरवाइज ये जो प्रोसेस था ये वहाँ जाने के बाद का था बट द इंटरव्यू इज मोर ऑफ यू नो गेटिंग टू नो अबाउट यू मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यू कुछ नहीं होता है इट इज़ वेरी स्मूथ वेरी ईजी 99% नाइन परसेंट स्टूडेंट आराम से क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू इज़ नॉट अ बिग इशू नो टॉकिंग अबाउट द हॉस्पिटल टाइप्स ऑफ क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी जैसे कि हमने बात करी ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो जो भी कोई यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ टाइप्स काफ़ी अच्छे होते हैं एंड सिम्फ्रोपोल जो सिटी है वो काफ़ी मतलब कि वहाँ पॉपुलेशन काफ़ी है इट इज़ अ डेवलप्ड सिटी एनफ कि वहाँ पे इतने सारे लोग हैं ज़्यादा लोग होने से मतलब है कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट इनफ्लो भी अच्छा है सो वेन एवर यू आर गोइंग टू अ हॉस्पिटल यू आर गेटिंग टू लर्न समथिंग और वहाँ पे बाय एनी चांस हॉस्पिटल में अगर पेशेंट रशियन में बात कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है सो दे सेंड आ ट्रांसलेटर अलॉन्ग विद यू ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो ऑल दो फर्स्ट ईयर में जब आप यू नो कोर्स ज्वाइन करते हैं फर्स्ट ईयर में आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ साथ रशियन का एक सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है ताकि आपको यू नो कम्युनिकेटिंग टू योर लोकलाइट या फिर जब आप हॉस्पिटल जाते हैं प्रॉब्लम ना हो स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम होती है यू हैव द ट्रांसलेटर विद यू एंड द डॉक्टर्स आल्सो विल हेल्प यू तो आपको हॉस्पिटल विजिट्स में और क्लिनिकल रोटेशन में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है हॉस्पिटल विजिट्स और क्लिनिकल रोटेशन के टाइम पर आपको इनफ एक्सपोजर मिलने वाला है बिकॉज दे हैव टाईप विद डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ और आपकी जो रोटेशंस होती हैं एज द से इज क्लिनिकल रोटेशंस वो हर बार अलग अलग हॉस्पिटल में आती है तो आपको अलग अलग हॉस्पिटल का और यू you नो know, अलग अलग लोगों से मिलने का अलग अलग एरिया में जो लोग हैं वहाँ पर कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हैं वो सब समझने का आपको एक्सपोजर मिलता है सो यू एक्चुअली लर्न अलॉट वाइल डूइंग योर क्लिनिकल रोटेशन इन क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी ना कमिंग ऑन टू दॉस्टल्स ऑफ क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी देखो जब भी हम कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करते हैं हम चाहते हैं कि एकोमोडेशन अच्छी हो एंड यू नो नियर बाय हो क्योंकि हमें अपना बहुत लंबा टाइम वहाँ पर निकालना होता है अदर देन यूनिवर्सिटी जो आप मैक्मम टाइम रहते हैं वो अपने हॉस्टल में अपनी जो एकोमोडेशन होती है वहाँ पर रहते हैं स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द हॉस्टल्स ऑफ क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी ये कैंपस एरिया के अंदर ही है तो आपको बहुत ज़्यादा यू you नो know, ट्रैवल नहीं करना है या वॉक नहीं करना है और जो हॉस्टल्स हैं वो सेंट्रली हीटेड हैं जब ठंड होगी तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यहाँ पे जो रूम्स हैं वो नीट एंड क्लीन है वेल well मेनटेन है और जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि आपका स्टडी टेबल हो गया शेयर किचन्स हो गई ये सारी फैसिलिटी वहाँ पर ईजिली अवेलेबल हैं और अगर आप शेयरिंग की बात करेंगे तो टू शेयरिंग थ्री शेयरिंग फोर शेयरिंग डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे और क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में आपकी रेंज के अकॉर्डिंग भी अलग अलग हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं मतलब कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इससे और अच्छा हो तो वहाँ पे अलग अलग तरह के हॉस्टल्स ईजिली अवेलेबल हैं आप जो भी चाहें चूज कर सकते हैं अगर अवेलेबल होगा तो आपको ईजिली अलॉट हो जाएगा वी विल बी देयर टू तो हेल्प यू आउट ऑन दैट मैटर तो हॉस्टल्स इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल इन क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन फूड अवेलेबिलिटी एट क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी देखो जब भी हम इंडिया के बाहर जाते हैं स्टार्टिंग में तो यू नो इट इज़ ईजी टू कॉप अप, अपट देन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि पूरे छः साल का टाइम आपको निकालना है ऑब्वियसली यू वुड नीट इंडियन फूड बिकॉज वी आर सो यूज टू इट अगर इंडियन फूड की बात करूँ तो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में इंडियन मेस अवेलेबल है जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि रशिया में हर एक यूनिवर्सिटी में ये फैसिलिटी नहीं है बट वेन यू टॉक अबाउट क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी में इंडियन मेस की फैसिलिटी अवेलेबल है अगर आप चाहें तो मैस को ले सकते हैं इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू ईट फ्रॉम द मैस यू वॉन्ट टू गो फॉर अ सेल्फ कुकिंग ऑप्शन तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है एंड सेल्फ कुकिंग के लिए आपको जो रॉ मटेरियल है वो यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया में ही बहुत आसानी से मिल जाएगा ग्रॉसरी शॉप जो हैं जस्ट आउटसाइड द यूनिवर्सिटी ही अवेलेबल हैं। तो एज सच आपको यू you नो know, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इन टर्म्स ऑफ फूड इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू कुक मैसेज अवेलेबल इफ़ यू वॉन्ट टू कुक द शेयर किचन आर अवेलेबल नॉट टॉकिंग अबाउट द एम सी आई पासिंग रेशियो ऑफ क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी जब भी हम एम बी बी एस इन रशिया की बात करते हैं तो एम सी आई पासिंग रेशियो के टर्म्स में क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी इज़ ऑन द टॉप इट गिव्स द हाइस्ट एम सी आई पासिंग रेशियो अमंग ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया तो अगर आप रशिया चूज कर रहे हैं आपको इकोनॉमिकल भी चाहिए 23, 24 ट्वेंटी लैक्स में आपको यूनिवर्सिटी मिल रही है अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है हाईएसट एम सी आई पासिंग रेशियो मिल रहा है पूरा का पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम में मिल रहा है वाई वुड यू नॉट चूज क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी तो यहाँ का जो एम सी आई पासिंग रेशियो है इट इज़ वन ऑफ द हाईएसट एम सी आई पासिंग रेशियो अमंग ऑल द यूनिवर्सिटी फॉर एम बी बी एस इन रशिया नाउ टॉकिंग अबाउट डिफरेंट रूमर्स डैट वी हेयर अबाउट क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यू नो वॉर जोन है ये पहले यूक्रेन में था अब रशिया में है वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है

स्टूडेंट्स आराम से वहाँ पर रह रहे हैं वी कैन हेल्प यू विद द डायरेक्ट स्टूडेंट रिव्यूज एज वेल इफ़ यू वॉन्ट टू लेकिन डू नॉट गो बाय द र्यूमर एट आर गोइंग ऑन वाइल यू चूज क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी यू आर सेफ बहुत सारे पेरेंट्स को होता है कि क्या मेरा बच्चा सेफ़ है वहाँ पर जाने के बाद यू नो वाई देयर अबाउट ऑल दीज र्यूमर्स दे आर सेफ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है स्टूडेंट्स को स्टूडेंट सेफली वहाँ पर रह रहे हैं सिटी में बहुत अच्छा माहौल है पीसफुल है सब कुछ अवेलेबल है सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और कोई भी इशू वहाँ पर नहीं है सो डू नॉट जस्ट गो बियूमर दैट यू हेयर डू चेक फॉर द फैक्ट्स एंड द फैक्ट इज़ इट इज़ सेफ़ इट इज़ सिक्योर एंड दे आर नो इश्यूज़ एट ऑल और अब जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे आप उनसे भी पूछ सकते हैं किसी को भी एज सच कोई भी इशू नहीं है वाइल दे हैव चोजन क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी दे आर हैप्पी विद योर चॉइस नॉट टॉकिंग अबाउट द असेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी ऑफ क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी तो जैसे कि मैंने आपको बताया सिंफ्रोपोल में है लोकेटेड यूनिवर्सिटी तो अगर आपको इंडिया से जाना है यू गेट द फ्लाइट वाया मॉस्को मॉस्को से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अदरवाइज कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो बाय एयर कनेक्टिविटी हो या फिर बाय रोड कनेक्टिविटी हो जैसे भी आप जाना चाहते हैं फ्रॉम मॉस्को आप जा सकते हैं इट इज़ वेल कनेक्टेड विद द अदर स्टेट्स ऑल्सो नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एट क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस द ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर यू इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर रिसर्च एंड शॉर्ट ऑफ थिंग कि आपको यू नो रिसर्च में अपना टाइम इन्वेस्ट करना है आप वो भी कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर स्पोर्ट्स दैट इज ऑल्सो अवेलेबल एंड इफ यू वांट टू गो फॉर कल्चरल दैट इज ऑल्सो अवेलेबल तो इट इज़ टोटली अप टू यू हाउ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट योर टाइम उसमें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है इट्स टोटली योर चॉइस एंड इफ यू डो नॉट वॉन्ट टू डू एनी ऑफ दीज दैट ऑल्सो इज अप टू यू हाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं उसके लिए पर्टिकुलर क्लब्स हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम इट्स टोटली अप टू यू बट येस यू आर गेटिंग एक्सपोजर फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एज वेल वाई यू चूज क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी आई होप कि इस वीडियो से आपको सब कुछ पता चल गया होगा रिगार्डिंग क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी इशूज़